नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। शिव ही सत्य, शिव ही अनंत है, शिव ही आदि, शिव ही भगवन है, शिव ही ब्रह्मा, शिव ही ओंकार, शिव शक्ति का करो जय जयकार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को सोमवार की पिथोरी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज यानी पिठोरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। आज के दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन कुशा इकट्ठी करने की भी मान्यता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा का पूजन करती है। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश की वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने, पितरों का स्मरण करने और शिव जी की आराधना करने से जीवन में सदा ही सुख समृद्धि आती है। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की बहुत ही सुंदर कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी परिवार में 7 भाई बहुत ही प्रेम पूर्वक रहा करते थे। सभी का विवाह कुशल कन्याओं के साथ संपन्न हो चुका था। सभी भाइयों के छोटे छोटे बच्चे भी थे और सबसे बड़ी बहू के 7 पुत्र थे। एक समय की बात है, परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन 7 बहुओं में से यह किसी को भी नहीं पता था कि व्रत किया प्रकार से किया जाता है, इसका नियम क्या है। इसलिए जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो व्रत और पूजा के समय उससे कुछ गलतियां हो गई। व्रत विधि पूर्वक संपन्न ना होने के कारण पिथौरी माता बड़ी बहू से क्रोधित हो गई और माता के क्रोध के कारण उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल भी थी हुआ और फिर से बड़ी बहू के एक और बेटे की मृत्यु हो गई और ऐसा करते हुए 7वें साल भी ऐसा ही हुआ और बड़ी बहू के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब बड़ी बहू के 7वें पुत्र की मृत्यु हुई तो बड़ी बहू ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया और उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाही। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि पिथोरी अमावस्या के व्रत में भूल चूक होने के कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। अब वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पूरे विधि विधान से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वही दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। तो बोलिए मित्रों, दुर्गा मैया की जय, जय हो बाबा भोलेनाथ। क्योंकि मित्रों आज सोमवार है और आज अमावस्या तिथि है तो आज के दिन सोमवती अमावस्या की कथा सुनना भी अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। तो चलिए मित्रों, अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है।
यह अमावस्या पूरे वर्ष में लगभग एक अथवा दो ही बार पड़ती है और इसीलिए सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का विधान होता है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। मित्राय, शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष और प्रदक्षिणा यानी की परिक्रमा करना होता है, अर्थात इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करने के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ करना या सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की बहुत ही सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार एक गांव में निवास करता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। ब्राह्मण की वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ब्राह्मण की पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसमें कुशल गृहिणी बनने के सभी गुण थे, किंतु गरीब होने के कारण उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात को लेकर ब्राह्मण अत्यंत ही चिंतित रहा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि काफी समय हो चुका है पर इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है, और यदि इस कन्या का विवाह हो भी जाता है तो कुछ ही समय में यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपत्ति यह सब सुनकर घबरा गए और उन्होंने साधु से इस समस्या का उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें कि इसकी कुंडली में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही शुद्ध आचार विचार, संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह किया जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है, अपने घर गृहस्थी में ही लगी रहती है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ गई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि आखिर ये है कौन। धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह भोर होने से पहले ही अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। वो कन्या जब सारा काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं
और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने अपने साथ हुई सारी बात धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें सतीत्व का तेज था, जिस कारण वह उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे और सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। जब उसे इस बात का पता चला तो वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई, धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर भगवान भोलेनाथ और श्री गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ननंद या भांजे को दिया जाता है। तो मित्रों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा। बोलिए मित्रों, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती। अब चलिए मित्रों, सोमवती अमावस्या पर सुनते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके इस कठिन तप को देखकर सभी देवी देवताओं ने शिवजी से माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। यह सब सुनकर शिवजी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और सप्तर्षियों को माता पार्वती के पास भेजा। सप्तर्षियों ने माता पार्वती को शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, उनकी अत्यंत ही निंदा की, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर ना था, अतः सप्तर्षियों की बातों का माता पार्वती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मित्रों, जैसे कि विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसी प्रकार से शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। जिस स्थान पर माता पार्वती घोर तपस्या में लीन थी, वहां पर भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को उनके तप का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहां वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। वो बालक अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। अतः द्रवित होकर जब माता पार्वती तालाब पर पहुंची तो देखती हैं कि मगरमच्छ उस बालक को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। बालक ने माता पार्वती को देखकर रोते हुए कहा, मेरी न तो माँ है, न बाबा है और न ही कोई मित्र है, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, है मगरमच्छ, तुम इस बालक को छोड़ दो, इसे मत खाओ। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस बालक को मेरा भोजन बनाकर भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ू। पार्वती जी उस मगरमच्छ से विनती करने लगी कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। यह सब सुनकर मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ, यदि आपने इतने दिन तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा,
मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी को समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर ऐसा मूर्खो जैसा संकल्प मत करो। तुमने इतने वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा, मगर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ मत करो। चाहो तो तुम्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, है मगरमच्छ, मैं तप तो पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? पार्वती जी के देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः प्रारंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। ऐसा करते ही वहाँ पर भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। शिवजी बोले, मगरमच्छ और लड़की दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया और कुछ समय बाद ही पार्वती जी का महादेव जी के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। तो बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।